बयाना जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने सिंथेटिक पनीर बनाने की सूचना पर गुरुवार दोपहर को बयाना में दो अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 200 किलो पनीर जब्त किया है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में सिंथेटिक पनीर को बनाने के काम में आने वाली सामग्री भी जब्त की है। डीएसटी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को सूचना देकर मौके पर बुलवाया, जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौके पर आई और सैंपल जब्त किए। डीएसटी इंचार्ज मुकेश कुमार ने बताया कि बयाना में पिछले काफ़ी दिनों से सिंथेटिक पनीर बनाने की सूचना मिल रही थी। इस पर गुरुवार को बयाना में नगर पालिका कार्यालय के पीछे ईदगाह रोड और शिव कॉलोनी में दो अलग अलग स्थानों पर टीमें भेजकर एक साथ कार्रवाई की गई। पनीर बनाने की ये फैक्ट्री किराए के मकान में चल रही थी, जहां पर 2 क्विंटल पनीर, 300 लीटर पाम ऑयल, 60 किलो मिल्क पाउडर और अन्य सामग्री जब्त की है। वहीं पनीर बना रहे चार लोग, जो उत्तर प्रदेश के गोवर्धन मोगरा थाना क्षेत्र के गांव पेठा निवासी ओम प्रकाश, डिग जिले के पास्ता गांव निवासी महेंद्र सहजातपुर, डिटेन किया है। आज बयाना कस्बे में दो जगहों पर लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लोग जो हैं वो सिंथेटिक पनीर और अदर जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो बना के और मार्केट में बहुत सस्ते दामों पर बेच रहे हैं, जिससे कि लोगों की स्वास्थ्य को बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कई दिनों से लगातार सूचनाएं मिल रही थी, उच्चाधिकारियों को निर्देशानुसार आज दो जगहों पर पहुंच के कार्रवाई की है और टोटल जो मटेरियल मिला है यहाँ पे तकरीबन 2 क्विंटल पनीर, 3 क्विंटल पामोली ऑयल और 2-3 जो पैकेट्स हैं काफ़ी बड़े, तकरीबन 20-30 किलो का एक पैकेट है, वो कुछ पाउडर है, मिल्क पाउडर है और अदर जो सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाने के जो केमिकल यूज़ होते हैं और जो काम आने वाली जो उपकरण है वो सारे मौके से अभी जब्त किए हैं। और जो अपना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो भी साथ में है, वो अपना सैम्पलिंग का वो सारा काम कार्रवाई करेंगे। कुल मौके से दोनों जगह के मिला के चार लोगों को उसमें लिया है, अभी डिटेन किया है, जिनसे और पूछताछ कर रहे हैं। अभी आगे की उस हिसाब से कार्रवाई जो भी होगी वो बता दी जाएगी।